आज कहानी दिल्ली के उस शापित सरकारी बंगले की है, जहां रहने से आम इंसान क्या दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की भी रूह कांप जाती है। दिल्ली के सिविल लाइंस पर श्यामनाथ मार्ग का बंगला नंबर 33 पहली नजर में बेहद आलीशान नजर आता है। 5500 वर्ग मीटर में फैले दो मंजिला बंगले के भीतर 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल और कॉन्फ्रेंस रूम है। बंगले में गार्ड के लिए अलग कमरा है और नौकर चाकरों के लिए अलग से 10 क्वार्टर है। बंगले के चारों तरफ एक बड़ा सा लॉन, साथ ही बगीचे में पानी का फव्वारा है। लेकिन इससे जुड़ी अजीबोगरीब कहानियों की वजह से ये बंगला सालों वीरान पड़ा रहा। लोग कहते हैं कि इस बंगले में रहने की वजह से कईयों के करियर बर्बाद हुए और कुछ लोगों की असमय मौत हो गई। बताया जाता है कि ये बंगला 1920 के दशक में रेडी हुआ था और आजादी के बाद इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास के लिए सबसे बेहतरीन माना गया। दिल्ली विधानसभा यहाँ से महज 100 गज दूर है। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने 1992 में इसे अपना निवास बनाया। इसके अलावा 1990 के दशक में दिल्ली के एक अन्य मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना भी यहीं रहे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों मुख्यमंत्रियों को कार्यकाल खत्म होने से पहले ही पद छोड़ना पड़ा। इन्हीं घटनाओं के साथ बंगले के नाम मनहूस शब्द जुड़ गया। एक पत्रकार जो 1980 और 90 के दशक में अंग्रेजी दैनिक अखबार द हिंदू के लिए दिल्ली विधानसभा कवर करते थे, उनका कहना था कि खुराना की गद्दी जाने के बाद किसी ने इस बंगले को अपना घर नहीं बनाया। अफवाह फैल गई कि ये बंगला मनहूस है। मुख्यमंत्री बनने के बाद साहब सिंह वर्मा और शीला दीक्षित ने इसमें रहने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद साल 2003 में दिल्ली की तत्कालीन सरकार में रहे दीप चंद बंधु ने अपने सहयोगी की सलाह को न मानते हुए इस मनहूस बंगले को अपना निवास स्थान बना लिया। उनका कहना था कि वो ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानते और बंगले में शिफ्ट हो गए। फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ही दिनों बाद वो बीमार पड़ गए। उन्हें मेनिनजाइटिस हो गया, जिससे उनकी अस्पताल में ही मौत हो गई। इस घटना के बाद इस बंगले को लेकर हर किसी में दहशत फैल गई, जिसके बाद अगले 10 सालों तक किसी नेता या अफसर ने इस बंगले को अपना घर बनाने की जरूरत ही नहीं की। फिर साल 2013 में वरिष्ठ नौकरशाह शक्ति सिन्हा ने इसमें रहने का फैसला किया। सिन्हा के अनुसार उनके लिए बंगला खुशनुमा रहा, लेकिन अन्य लोग ध्यान दिलाते हैं कि सिन्हा भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। इसके बाद साल 2015 में बंगले में कई तरह के बदलाव करके दिल्ली सरकार ने इसे डायलॉग कमीशन का दफ्तर बना दिया। तो दोस्तों, ये थी शापित बंगले की पूरी कहानी। क्या आप इस बंगले में रहना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।